morning students. Today we will start exercise 7.1 of chapter 7 fractions. So exercise 7.1 का हमारा first question है. Write the fractions representing the shaded portion. ठीक है. हमें कुछ figures दिए हैं और उन figures में हमारे पास वो figures divided हैं कुछ parts में. ठीक है. और उसमें से कुछ parts जो हैं वो shaded हैं. ठीक है. और हमें क्या करना है, इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है. तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हम फिगर्स को कैसे लिखते हैं, ये हम इंट्रोडक्शन पार्ट में सीख के आ चुके हैं. देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो फिगर है इसमें हमारे पास कितने पार्ट है, 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इसमें है 4, जिसमें से शेडेड पोर्शन कितने हैं, 1 और 2. तो आ गया ऊपर 2. जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे उनको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जो हमारे शेडेड पार्ट है जिससे जिस जो पार्ट जो पोर्शन शेड किया हुआ है उसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे. तो फर्स्ट वाले फिगर में 1 2 3 4 पार्ट्स हैं जिसमें से 2 पार्ट शेडेड हैं, तो इसका फ्रैक्शन क्या बना, 2 डिवाइडेड 4. उसी तरह से सेकेंड फिगर में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, जिसमें से 1 पार्ट शेडेड है. तो टोटल नंबर है 9 और शेडेड पार्ट कितने हैं, 8. तो क्या फ्रैक्शन बना इसका, 8 डिवाइडेड 9. उसी तरह से हमारे पास जो थर्ड फिगर है उसमें हमारे पास 8 सर्कल्स दे रखे हैं, और 8 सर्कल में से 4 सर्कल्स शेडेड हैं. तो जो शेडेड हैं उनको तो हम लिखेंगे ऊपर 4, और टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं, 8, उनको हम लिखेंगे नीचे. तो क्या फ्रैक्शन बना, 4 डिवाइडेड 8. नाउ नेक्स्ट फोर्थ जो फिगर है उसमें एक सर्कल टाइप दे रखा है, उसको डिवाइड कर रखा है 4 पार्ट में. 4 पार्ट में से सिर्फ 1 पार्ट को ही क्या कर रखा है, शेड कर रखा है. तो टोटल पार्ट कितने हैं, 4 है, जिसमें से सिर्फ 1 पार्ट शेडेड है. तो इसका फ्रैक्शन क्या बना, 1 डिवाइडेड 4. उसी तरह से फिगर फिफ्थ में अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉक्स जो पार्ट्स डिवाइड है वो है 7. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है 7, जिसमें से 3 पार्ट्स हमारे शेडेड हैं. तो शेडेड पार्ट को लिखेंगे हम ऊपर 3, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं, 7, उनको लिखेंगे हम नीचे. सो ये हमारा हुआ फ्रैक्शन 3 डिवाइडेड 7. नाउ सिक्स्थ फिगर में हमारे पास कुछ फ्लावर्स दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं, 12. हम जा सारे फ्लावर्स को गिनेंगे तो वो 12 है, जिसमें से स्टार्टिंग के 3 जो फ्लावर्स हैं वो शेडेड है. तो जो 3 स्टार्टिंग के शेडेड हैं तो उससे फ्रैक्शन क्या बना हमारा, 3 डिवाइडेड 12. नाउ हमारा सेवेंथ फिगर है जिसमें हमें कुछ पेंसिल्स दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ कितनी है वो हमारे पास फिगर में 10 है, और 10 की 10 शेडेड है. तो इसका फ्रैक्शन क्या बना, 10 शेडेड है और 10 की 10 टोटल गिवन है, तो 10 डिवाइडेड 10. नाउ द एट्थ फिगर इज, एट्थ फिगर में कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, टोटल 9 पार्ट्स हैं, जिसमें से शेडेड कितने हैं, 4 हैं. तो उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 4 डिवाइडेड 9. नाइन्थ फिगर में हमारे पास एक फ्लावर गिवन है जो कि डिवाइडेड है, कितने, जिसकी लीव्स कितने गिवन है, 8, और जिसमें से कितनी लीव्स शेडेड है, 4. तो क्या फ्रैक्शन बना इसका, 4 डिवाइडेड 8. नाउ द टेंथ जो फिगर है उसमें हमारे पास जो फिगर दे रखा है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, बीच में से एक लाइन लिया और 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, जिसमें से 2 पार्ट्स में से उसका फर्स्ट वाला पार्ट पूरा शेडेड है. तो 1 डिवाइडेड 2 इसका फ्रैक्शन बना. Now let's come to the next question, that is question number 2. Color the part according to the given fractions. अभी question first में हमने क्या करा था, हमारे पास figure already given था, उसमें shaded part given थे, और हमको सीधा fraction लिखना था. पर second question में हमें fraction given है, और उन fraction को देखते हुए हमें जो figure है उसको shade करना है. ठीक है. तो पहला जो figure है उसमें हमें क्या given है, fraction 1 divided 6. ठीक है. तो जो ऊपर number लिखे हुए हैं, जो numerator में लिखे हुए हैं, इतने part आपको शेड करने हैं. तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपको कितना शेड करना है, 1 पार्ट. तो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में फर्स्ट पार्ट शेड कर दिया. सेकंड वाले फिगर में टोटल पार्ट 4 है, जिसमें से आपको शेड कितना करना है, 1 पार्ट. तो हमने 1 पार्ट शेड कर दिया. उसी तरह से थर्ड फिगर में टोटल पार्ट कितने थे, और ऊपर वाला कितना है, कितना शेड करना है, 1. तो हमने थर्ड फिगर में 1 पार्ट शेड कर दिया. उसी तरह से फोर्थ फिगर में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने डिवाइडेड हैं, 4 हैं, जिसमें से ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है 3, इतने हमको शेडेड करने, तो हमने कोई से भी 3 हमने पार्ट शेड कर दिए. उसी तरह से फिफ्थ फिगर में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे पास 9 है, और हमको कितने शेड करने हैं, 4 शेड करने, तो हमने 4
शेडेड कर दिए। तो जो न्यूमरेटर में लिखे होते हैं वो पार्ट हम शेडेड करते हैं, और जो नीचे लिखे होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट होते हैं गिवन फिगर के। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। हमें कुछ फिगर गिवन है, तीन फिगर गिवन है, ठीक है, वो शेडेड हैं और उनके बारे में लिखा हुआ है कि फर्स्ट फिगर में लिखा है कि दिस इज हाफ, ठीक है, और सेकंड में लिखा हुआ है कि दिस इज वन फोर्थ, और थर्ड में लिखा हुआ है दिस इज 3/4। तो वो हमें बोल रहा है कि उसने जो फिगर है उनके फ्रैक्शंस लिख दिए, तो हमें उनको आइडेंटिफाई करना है, देखना है और बताना है कि जो उसने फ्रैक्शंस बताए फिगर्स के वो करेक्ट हैं कि नहीं। तो अगर हम अपना फर्स्ट फिगर देखें तो उसमें टोटल पार्ट कितने हैं, 2 हैं, और शेडेड कितना किया है उसने, 1 किया है। तो वो बोल रहा है कि ये जो फिगर है उसका फ्रैक्शन कितना आएगा, 1/2। तो ये फिगर का फ्रैक्शन 1/2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम 1/2 कब होगा, जब कोई भी फिगर का जो पोर्शन है वो इक्वल में डिवाइड हो। जब हम किसी भी फिगर को डिवाइड करते हैं और वो इक्वली डिवाइड होता है, देन इन सच केस हम कह सकते हैं कि जो उसका फ्रैक्शन आया है वो करेक्ट आया है। पर इसमें जो फ्रैक्शन आए हैं, ठीक है, वो जो पार्ट शेडेड है वो इक्वल नहीं है। ऊपर वाला पार्ट कम है, नीचे वाला पार्ट ज़्यादा शेडेड है। अगर ये इक्वली डिवाइडेड होता, उसके बाद शेडेड होता, तो ये 1/2 होता। तो हम क्या कहेंगे, द शेडेड पोर्शन आर नॉट इक्वल्स, हेंस दिस इज नॉट हाफ। तो ये हाफ नहीं है। उसी तरह से अगर हम सेकंड फिगर देखें तो सेकंड फिगर में भी ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है। जब ये फिगर इक्वली डिवाइडेड नहीं है तो ये जो इसका गिवन है फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन 1/4 नहीं होगा। सो द शेडेड पोर्शन आर नॉट इक्वल, हेंस दिस इज नॉट 1/4। अब हमारा थर्ड फिगर है, वो भी अगर हम थर्ड फिगर को देखें तो जो सर्किल है वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, 3/4 पोर्शन उसका नहीं होगा, क्योंकि जो शेडेड पोर्शन है वो इक्वल डिवाइड नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट 3/4। अगर किसी भी फ्रैक्शन को हमें चेक करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि जो भी फिगर है वो उसमें जो फिगर डिवाइड हुआ है वो क्या है, इक्वली डिवाइड होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स, ठीक है, क्या फ्रैक्शन होगा एक डे में 8 आवर्स का। सो 8 आवर्स का उसने हमको फ्रैक्शन पूछा है, बट हम ये जानते हैं कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, राइट, तो देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, बट हमें गिवन कितना है, वी हैव 8 आवर्स का हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। सो द फ्रैक्शन इज टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने होते हैं एक दिन में, 24, तो टोटल कितना जाएगा नीचे, और हमें किसका फ्रैक्शन फाइंड करना था, 8 आवर्स का, एक गया ऊपर, तो फ्रैक्शन हमारे पास जो बना वो क्या बना, हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 8/24। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट। हमें फाइंड आउट करना है कि क्या फ्रैक्शन होगा एन आवर का जिसके मिनट्स हमें कितने रखे हैं, 40 मिनट्स। बट वी नो दैट व्हाट, कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। जब 60 मिनट हो जाते हैं तब से एक घंटा होता है, तो देयर आर 60 मिनट इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितने मिनट्स हैं, 60 मिनट्स हैं, पर हमें जो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है कितने का करना है, 40 मिनट्स का। सो टोटल मिनट्स तो होते हैं 40, बट वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ एन आवर विच इज 40 मिनट्स। तो फ्रैक्शन क्या बना, 40/60। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 विच इज इम्पॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से समझें। आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। आर्य हैज ब्रॉट 2 सैंडविचेस, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल्स एंड 1 मेड ऑफ जैम। द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। आर्य अग्रीड टू शेयर हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक जो थे वो अपना लंच शेयर करते थे। आर्य 2 सैंडविचेस लेके आया, एक सैंडविच तो उसका वेजिटेबल का बना हुआ था और दूसरा सैंडविच का जैम का बना हुआ था, पर बाकी जो 2 थे अभिमन्यु और विवेक वो अपना लंच लाना भूल गए। तो आर्य ने बोला कि वो तो अपना जो सैंडविच जो लेके आया है वो शेयर करेगा किस किस के साथ, अभिमन्यु और विवेक के साथ, ठीक है, पर सो ताकि वो इस तरह से उनको शेयर करेगा कि अभिमन्यु विवेक और आर्य तीनों में क्या है, इक्वल शेयर आ जाए सैंडविचेस का। उसके पास 2 सैंडविचेस हैं और वो इस तरह से डिवाइड
हिस्सा आ जाए किसका, सैंडविचेस का, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया ए में कि हाउ कैन आर्य डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर, कि आर्य सैंडविचेस को किस तरह से डिवाइड करेगा कि सबके पास, तीनों के पास, आर्य, अभिमन्यु और विवेक के पास इक्वल इक्वल हिस्सा आ जाए किसका, सैंडविचेस का। और सैंडविच कितने हैं उसके पास, दो। अब हमसे ए पार्ट में पूछा गया था कि आर्य सैंडविचेस को किस तरह से डिवाइड करेगा कि सबके पास, आर्य, अभिमन्यु और विवेक के पास क्या आ जाए, इक्वल डिवाइड हो जाए वो सैंडविचेस। तो आर्य उन सैंडविचेस को तीन पार्ट में डिवाइड करेगा क्योंकि तीन जने, अभिमन्यु, आर्य और विवेक, तो उन सैंडविचेस को वो तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सो ईच पर्सन विल गेट वन पार्ट, कि सब के पास एक एक पार्ट आ जाएगा। सो आर्य हैज डिवाइडेड द सैंडविच इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स, सो ईच पर्सन विल गेट वन पार्ट। तो सबके पास कितना कितना पार्ट आएगा, वन वन पार्ट आएगा, ठीक है। नाउ हमसे सेकंड बी पार्ट में पूछा है कि व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, कि हर एक लड़का कितने सैंडविच का पार्ट रिसीव करेगा, ठीक है। तो हमें उसका फ्रैक्शन बता रहे हैं। देखो सैंडविचेस थे दो, उन सैंडविचेस को आधे ने तीन पार्ट में डिवाइड करा, ठीक है। तो तीन पार्ट में डिवाइड करा तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए उसके, तीन हो गए। और तीनों के पास एक एक पार्ट जाएगा तो हर एक बॉय कितना रिसीव करेगा, वन डिवाइडेड थ्री पार्ट रिसीव करेगा। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया, वन बाय थ्री। तो हर एक लड़के के पास वन डिवाइडेड थ्री, वन डिवाइडेड थ्री, वन डिवाइडेड थ्री सैंडविचेस डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सिक्स खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 की आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।